वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगम पांडे। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में अक्सर क्या होता है ना कि हमारे बालों में बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेटिंग होने लगती है। इसके वजह से हमारा बदबू, इरिटेशन, कभी कभी तो हमारे खुजली वगैरह भी हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, हमारा हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा होने लगता है। हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं ठीक से शैम्पू नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी में। जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके पास बहुत कम टाइम रहते हैं, इसमें वो जल्दी से शैम्पू लगाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब उनके पास टाइम की कमी होती है, इसके वजह से वो ज्यादा देर तक के नहीं लगा के रख पाते हैं। तो गाइज मैं उनको बताऊंगी कि अगर उस कंडीशन में अगर आपको ही अगर हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लगाना होगा जिससे आपकी हेयर फॉल्स कंट्रोल में आ सके। जी हाँ गाइज, बहुत अच्छा वीडियो ये इफेक्टिव होने वाला है। आई जस्ट होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, क्योंकि क्या होता है ना अक्सर हेयर फॉल्स जो होती है ना हमारी, ये नॉर्मल सी है, हर लोग के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी भी टाइम में हो। हेयर फॉल्स ना मतलब सबके साथ, जो जेंट्स है उनके साथ भी, लेडीज है उनके साथ भी, गर्ल्स हैं, टीनेजर है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है और हर मौसम में होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में ज्यादा हो रहे हैं, बरसात में कम होंगे, विंटर में कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मौसम में ना हेयर फॉल्स होना शुरू हो जाती है। उसका सबसे जो ज्यादा मतलब वो होता है वो है कि हम लोग अपने बाल पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, केयर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, कौन से ऐसे प्रोडक्ट को लगाना है, और ऐसे भी हमारे चैनल पे बहुत से प्रोडक्ट का रिव्यू ऑलरेडी मैं दिया करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, वो चाहे स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी पार्ट से। तो गाइस हमारा काम होता है वीडियो को अपलोड करना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगता हो उसका रिव्यू देना, आप लोग में से सजेस्ट करना होता है, आप लोग को चूज करना होता है कि हाँ हमारे कौन से प्रोडक्ट हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे सूट कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा, और वीडियो में मैं आगे बढ़ती हूँ और प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ। सो गाइज हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो है हिमालय का एंटी फॉल क्रीम, जो कि इस टाइप का क्रीम और हिमालय का सेम ब्रांड का बहुत से मार्केट में क्रीम होता है। लाइक ये जो अभी क्रीम है ये एंटी हेयर फॉल, जिसको कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम हो रही है वो लोग इसका यूज करके अपने हेयर फॉल्स के कंट्रोल में कर सकते हैं। देन गाइज इसका जो है ना हेयर फॉल हो गए, एंटी ड्राइनेस हो गया, एंटी डैंड्रफ हो गया, तो बहुत से क्रीम मतलब मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको भी, जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप इस क्रीम को लेकर के अपने बालों में लगाइएगा, बहुत सही काम करता है। जी हाँ गाइज मैंने एक लगाई थी, इसकी स्मेल काफी अच्छी है। आपके बाल में जब क्या होता है ना कि गर्मियों में जब बालों में स्वेटिंग होती है ना तो हमारा बाल से बदबू आने लगती है, जो कि किसी लोग को पसंद नहीं होता कि मतलब बालों से बदबू आना। जी हाँ गाइस पसीना है वो बदबू तो करेगी ही, लेकिन उसको मुझे किस तरीके से मेंटेन करके रखना होता है वो मुझ पे डिपेंड करता है। तो ये है हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम, जो कि आपके बहुत ज्यादा अगर बाल फॉल हो रहे हैं तो उसको काफी अच्छे से कंट्रोल में करता है। इसकी जो क्वांटिटी है गाइस 100 ml है, तो आपको इस टाइप के क्यूट से पैक में आपको मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, इस डब्बे को ना आफ्टर यूज आप इसे किसी भी चीज में यूज भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ना, हम जैसे लड़कियां ना बहुत कुछ सामान रखने में कर लेते हैं, लाइक कॉस्मेटिक आइटम हो गए या कभी कुछ फेस पैक वगैरह बना रहे हैं, होममेड रेमेडी बना रहे हैं, तो उसको रखने में काम में आ जाता है। तो आप लोग भी यूज में ला सकते हैं अगर इस टाइप का आप इस्तेमाल करते हैं तो। एंड इसकी जो मतलब प्राइस है गाइज बहुत लो प्राइस है, 90 rupees। जी हाँ गाइज अगर आप पार्लर में भी जाएंगे ना करवाने स्पा वगैरह तो आपको 500 से कम में नहीं लगेगा। और ये मुझे तो लगा कि इतनी एफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिल रही है तो क्यों नहीं हम लोग ट्राई कर सकते हैं अपने हेयर पे। तो और हिमालय का ब्रांड आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, जेन्युइन ब्रांड है, और आप अपने बालों पे ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सो बहुत ज्यादा इसमें जो मिले हुए हैं मेन इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज और आंवला। जी हाँ गाइस भृंगराज हमारे बालों को काफी अच्छा मजबूत बनाता है, एंड आंवला हमारे बालों को कलर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। गाइस मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग है ना वो शैम्पू के पहले इसको यूज करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको शैम्पू के बाद करना है। जी हाँ गाइस जब भी आपका शैम्पू हो जाता है देन जिस तरीके से आप कंडीशनर का यूज करते हैं ठीक उसी तरीके से इसको अपने बालों में लगाना है। आपको 10-15 मिनट छोड़ देना है, इससे क्या होंगे ना कि आप
आपको आपके बाल में ना एक अच्छी सी पोषण मिल जाएगी, प्रोटीन्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो हेयर है ना काफी ज्यादा स्मूथ दिखेगा, लाइट आएगी आपकी हेयर में, ड्राइनेस खत्म होंगी, हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम खत्म होंगी, और आपको आराम से फिंगर टिप की हेल्प से ना अच्छे तरीके से अपने बालों में ना पैम्परिंग करनी है, पैम्परिंग करनी है इस तरीके से, ताकि मतलब 2 to 5 मिनट एटलीस्ट आप करिए ही करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके हेयर जो है ना काफी अच्छे स्मूथ होंगे। सो गाइज, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज पता चल जाए ये प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है एंड इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उसका लाभ उठा पाए। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।